देवघर जिले के देवीपुर थाना इलाके के सिरसिया गांव में हल्दिया बरौनी पाइपलाइन से तेल चोरी के मामले का पुलिस ने पहले ही खुलासा करते हुए कई अपराधियों को ऑयल टैंकर के साथ गिरफ्तार किया था। वहीं उन्हीं गिरफ्तार अपराधियों से मिली इनपुट के आधार पर आज देवघर पुलिस ने पंकज कुमार ठाकुर और सिद्धांत कुमार नाम के दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों अपराधियों के पास से तेल की चोरी में इस्तेमाल किए गए औजार और कई अन्य सामान बरामद किए हैं। इस मामले में आज एक प्रेस वार्ता कर सदर SDPO पवन कुमार ने क्या जानकारी दी, आइए जानते हैं। 22-23 मई की रात्रि को देवीपुर थाना अंतर्गत एक सिरसिया गांव है, वहां एक जो हल्दिया बरौनी पाइपलाइन गई है उससे डीजल चोरी की घटना कारित हुई थी। इस घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था। पुलिस अधीक्षक देवघर महोदय के दिशा निर्देश के आलोक में उस कांड के उद्भेदन एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एक टीम गठित की गई थी, जिसके द्वारा काफी प्रोफेशनल तरीके से दो अक्यूज को गिरफ्तार किया गया है और इसको हम लोग विधिवत तरीके से माननीय न्यायालय में प्रेषित करेंगे। सर, जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसका क्या आपराधिक इतिहास भी रहा है क्या? कुछ उनका अभी तक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।